सुभान आपको होस्ट हमने बना दिया है। देखिए फर्स्ट है सिक्स मेथड। सिक्स मेथड हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे राइट हैंड साइड में फर्स्ट मेथड से लेके फिफ्थ मेथड के क्वेश्चन को छोड़कर जो फंक्शन आते हैं उन सब में सिक्स मेथड अप्लाई होता है। जैसे मान लेते हैं अगर फंक्शन आ गया e to the power x square, जैसे e to the power ax, e to the power ax plus b और कांस्टेंट अगर आ गया तो उसके लिए तो फर्स्ट मेथड है, लेकिन अगर इस टाइप से आ गया e to the power x square, e to the power cos, वहां पे सिक्स मेथड अप्लाई होगा। जैसे साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी या ये आ गया या साइन ax कॉस x, तब तो सेकंड मेथड है, लेकिन अगर आ गया साइन x स्क्वायर यानी एंगल में डिफर हो गया तो उस केस में हम सिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे x is x cube, x आया तो थर्ड मेथड है, लेकिन अगर आ गया x की पावर कॉस x टाइप से आया तो वहां पे सिक्स मेथड अप्लाई होगा। जैसे e to the power ax और sin ax या cos ax है तो उसमें फोर्थ मेथड है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आ गया तो उसके लिए सिक्स मेथड है। इसके बाद x sin x या x cos x आया तो फिफ्थ मेथड है, लेकिन आ गया x cos x tan x तो उसमें सिक्स मेथड अप्लाई होगा। और इस तरीके से ये सर आपका माइक बंद हो गया है। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये फंक्शन आते हैं तो उसके क्या होगा आपका? उस केस में क्या होगा, ये जो फैक्टर ऑफ एफ डी है, फंक्शन ऑफ डी है, इसको फैक्टर बनाने होंगे। और फर्स्टली वी मेक अ फैक्टर ऑफ एफ डी। फैक्टर बनाने के बाद या तो आपका प्लस ए होगा या डी माइनस ए होगा। तो अगर मान लेते हैं डी प्लस डी माइनस ए है तो वन अपॉन डी माइनस ए फाइव एक्स ई टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस फाइव एक्स डी एक्स, ये आपका इसका पी आई होगा। और अगर आपका वन अपॉन डी प्लस फाइव एक्स है तो ई की पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स फाइव एक्स है। तो इस टाइप से ये आपके फार्मूले होंगे। तो इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं, लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई जीरो साइन की पावर एक्स। यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, साइन की पावर एक्स है, लेकिन सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो कैपिटल डी में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाई कॉमन ले लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, और इस तरीके से रूट्स निकाल देंगे। रूट्स निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा। अब ये होने के बाद हम पी आई निकालेंगे, तो पी आई हो जाएगा आपका वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू साइन की पावर एक्स। एंगल में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग मेथड चेंज होता है, तो यहाँ पे आपका सिक्स मेथड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू, इसके फैक्टर बना दिए तो डी प्लस वन डी प्लस टू आ गया साइन की पावर एक्स। तो अब यहाँ पे हम वन अपॉन डी प्लस वन है और डी प्लस टू है, तो इसके लिए देखिए
देखिए आप यहाँ पे बता रहे हैं लिख करके, तो ये पीआई जो है आपका पीआई आएगा 1/d² + 3d + 2 और ये हो गया साइन एंगल में e^x। तो इसके लिए हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो 1/ ये होगा d+2 और d+1। अब एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/d+2 और ले लिया 1/d+1 साइन e^x। तो अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया है, क्या बताया है कि अगर 1/d+ a(φ)x तो e^-ax इंटीग्रेशन e^(x)φ)dx हो जाएगा। तो इस तरीके से a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा e^-x इंटीग्रेशन e^x और ये हो जाएगा आपका φx यानी साइन e^x dx। अब इसके अंदर का सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख लेंगे लेट e^x को हम मान लेंगे t, तो e^x हो जाएगा dt, यानी ये तो रहेगा ऐसे ही d+2 e^-ax और ये हो जाएगा साइन t dt। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा cos माइनस cos t। आप t की वैल्यू रख देंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/d+2 और ये हो जाएगा e^-cos e^x, ये आ गया। अब फिर इसमें फिर दोबारा लगेगा d+2 है तो इसका हो जाएगा आपको तो माइनस ये रहा, ये होगा e^-2x इंटीग्रेशन e^2x और ये e^-x cos e^x dx। अब e^2x e^-x का क्या हो जाएगा, e^x cos e^x dx। फिर हमने e^x को t मान लेंगे तो e^x dx क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे फिर वही चीज सपोज कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा e^2x और ये हो जाएगा cos t dt यानी --2x cos t का क्या होता है sin t, तो ये हो जाएगा sin e^x। अब लिख देंगे देयरफोर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू दी cf+pi यानी y इज इक्वल टू दी c1 e^-x + c2 e^-2x - e^-2x साइन e^x, यही आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से करना हो तो सीएफ तो मालूम ही है सबको, बस पीआई में देखिए इसको कैसे करेंगे ये ध्यान रखिएगा आप। समझ गए, फिर से एक बार और बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे 6 मेथड का फंक्शन होगा तो इसके फैक्टर बना,
फैक्टर में चलेगी। तो पहले इसको लिया, इसमें फार्मूला लगा दिया, फार्मूला आपका ये है ही है। अब इसमें इतफाक है, दोनों आपके टी प्लस ए के फॉर्म में है। एक फार्मूला ये है अगर ये है तो ये हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो गया है, इसको अलग कर लिया, इसको पहले सॉल्व किया लेगी तो ये e की पावर x को t मान लिया है तो साइन t और सी का होता माइनस कॉस की t की वैल्यू रख दिया, माइनस बाहर आ गया है। अब फिर दोबारा इसको किया है, अब फिर यहाँ पे इंडिसेस लग के e की पावर x cos e की पावर x e की पावर x को t मानेंगे तो dx e की पावर x dx dt हो जाएगा, t की वैल्यू रख दिया है। देखिए सर, कोई डाउट हो तो पूछिए। समझ में आया है? Yes, sir. और भी लोग देखिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। इसी टाइप से न्यूमेरिकल सिक्स मेथड है, लेकिन यहाँ पे पीआई में जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो सिर्फ फर्स्ट से लेके फोर्थ तक आते हैं, फिफ्थ मेथड और सिक्स मेथड के न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। इसीलिए इसमें जब एक एक जो न्यूमेरिकल करा है वही बहुत है। और इसको देखिएगा, इसमें हम और आपको हम न्यूमेरिकल भेजेंगे सिक्स मेथड के, जैसे कि और भी क्वेश्चन है, जैसे लिखा है फाइंड द पर्टिकुलर मोबाइल नहीं सही लिखा है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का sec ax। तो इसके लिए फिर यहां पे देखिए, कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, डी माइनस से आइए और डी प्लस आइए, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाना पड़ता है तो हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक ही बात है, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा। तो आज मेरी तबीयत नहीं सही है, कुछ लग रहा है, जुकाम खाम हो गया है, और दुआ कीजिएगा जल्दी सही हो जाए। जी सर, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट टर्न में आप सुभान राज भेज दीजिएगा, ठीक है, लिंक। गुड मॉर्निंग सर।
ठीक है, ओके बाय सर. थैंक यू सर. सर फोकस बड़ा मस्त करते हैं.